अमित शाह कल भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम योगी भी होंगे शामिल, सीएम धामी भोपाल में मौजूद। यूपी के नए संगठन मंत्री बनने के बाद धर्मपाल सिंह ने पदाधिकारियों के साथ की है पहली बैठक। गाजियाबाद में आयोजित बैठक में शामिल हुए दोनों डिप्टी सीएम, यूपी के वेस्ट के पदाधिकारियों के साथ हुई चर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। केशव के ट्वीट के निकाले जा रहे हैं कई मायने। नोएडा में गिरफ्तार गालीबाज महिला भाव्या रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल, नशे में गार्ड से बदसलूकी का है आरोप। गालीबाज महिला भाव्या रॉय ने शराब के नशे में गार्ड के साथ महिला ने की बदसलूकी, गार्ड से मारपीट और गाली गलौज का वीडियो वायरल। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज की महापंचायत, डीएम को सौंपा है ज्ञापन, गैंगस्टर एक्ट हटाने और जल्द रिहा करने की मांग, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। महापंचायत में शामिल हुई श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने कहा कि उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, महापंचायत से हमारा हौसला बढ़ा। सैफई मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत पर सीएम योगी सख्त, 24 घंटे के अंदर अधिकारियों से मांगी है रिपोर्ट। 19 साल का हिमांशु एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का था छात्र। दिल्ली में राकेश टिकैत हिरासत में लिए गए, जंतर मंतर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे, मधुविहार थाने में बैठाए गए राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस। कल दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन के लिए आए थे टिकैत, दिल्ली के जंतर मंतर में सोमवार को किसानों का है प्रदर्शन। जैश आतंकी नदीम और सैफुल्ला से पूछताछ, बड़ा खुलासा। एटीएस की पूछताछ से बताया कि कैसे बना जैश का आतंकी। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज ने की है नोएडा में महापंचायत, गैंगस्टर एक्ट हटाने की मांग, भारी संख्या में यूपी पुलिस के जवान तैनात। मथुरा में बाकी बिहारी मंदिर मामले में जांच कमेटी गठित, पूर्व डीजीपी सुखान सिंह की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मूर्ति का सीएम योगी ने किया अनावरण, सीएम ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि में सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहे, मुख्यमंत्री बोले बाबूजी ने रखी थी सुशासन की नींव। लखनऊ में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम, प्रदेश के कई जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन। अयोध्या में रामलीला के लिए भूमि पूजन संपन्न, सरयू तट पर लक्ष्मण किला मैदान में होगा मंचन, राम सीता की भूमिका निभाने वाले राहुल भूचर और दीक्षा रैना भी रहे मौजूद। अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई, रात्रि में हो रहे निर्माण कार्य का वीडियो आया सामने। कुशीनगर में 13 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने हाटा नगर पालिका विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण, भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए पहुंचे। सीएम धामी की दरियादिली से बची है गर्भवती महिला की जान, प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया अस्पताल। यूकेएस एसएससी पेपर लीक मामले में एक्शन जारी, एक और आरोपी को एसटीएफ ने किया है अरेस्ट, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में है टीचर। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है, परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश का कहर, अब तक 7 लोगों की मौत, 13 लोग अभी भी लापता, कई सड़कें अभी भी बंद। उत्तराखंड में बादल फटने से बड़ी तबाही, रस्सियों के सहारे ग्राउंड जीरो पर पहुंची जी मीडिया की टीम, हर तरफ फैले हैं सैलाब के बाद तबाही के निशान। पौड़ी जिले के मोहन चट्टी के पास फंसे हैं लोगों का रेस्क्यू किया गया, एसडीआरएफ ने कई पर्यटकों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला, नदी का जलस्तर बढ़ने से भराव जैसी स्थिति। उधम सिंह नगर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 शिकारी को किया गया है अरेस्ट, प्रतिबंधित जानवरों के मांस और कुल्हाड़ी बरामद। मेरठ बागपत हाईवे पर कैंटर और बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। रायबरेली में कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की हुई है मौत, बाइक सवार युवक कीर्तन मंडली कार्यक्रम की प्रस्तुति देने जा रहे थे। बहराइच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, बीजेपी नेता हरि गुप्ता और सहयोगी पवन लाल ने नाबालिग को अपना हवस का शिकार बनाया था। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में सुकरावली रोड पर मोबाइल मिस्त्री की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। श्रावस्ती में नहर में मछली पकड़ने गया युवक डूबा, मलीपुर थाना क्षेत्र के मनवरिया दीवान गांव का था निवासी। फतेहाबाद पुलिस ने चोर गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, शातिर चोर पूर्व में भी कर चुके हैं कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, कई मुकदमे दर्ज। जालौन पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 3 शातिर अंतर जनपदीय लुटेरों को किया है गिरफ्तार, बीती 17 जुलाई को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सिद्धार्थनगर जिले में स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, लोगों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प।
बलिया में जोंस नदी में नाव डूबने का वीडियो आया है सामने। नाव पर कुल 6 लोग थे सवार, नाविक समेत कुल 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 पशु व्यापारी की तलाश। बागपत पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों से 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुआ है घायल, बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा भी बरामद हुआ। शाहजहांपुर पुलिस ने एक्सीडेंट के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकराने के बाद खाई में पलटा था। झांसी जीआरपी पुलिस ने गुम हुए मोबाइल लोगों को वापस किए हैं। 3 लाख से ज्यादा कीमत के 315 मोबाइल बरामद किए गए थे। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिले। महुआ जिले में तेज बारिश के कारण मकान गिरने से 6 साल की बच्ची की मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र के बीजानगर गांव का मामला। श्रावस्ती जिले में बीजेपी विधायक राम फेरन पांडे ने भिंगा से दिल्ली रोडवेज बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। बीजेपी विधायक ने टिकट लेकर रोडवेज बस में सफर भी किया। माला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश को गोली लगी। कानपुर के जूही थाना क्षेत्र में पत्नी ने की है पति की पिटाई, प्रेमिका संग पकड़े जाने के बाद ड्रामा। चंदौली में भूमि विवाद में सगे भाइयों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग भाई ने तोड़ा दम, पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से 22 लोगों की मौत, कई गांवों से कटा है संपर्क, बारिश का अलर्ट जारी। टीपू सुल्तान के सहारे अवेसी ने खेला है मुस्लिम कार्ड, टीपू को बताया आजादी का नायक, सावरकर पर उगला जहर। बिहार के अररिया में नाबालिग से अपहरण के बाद गैंगरेप, दरिंदों ने बलात्कार के बाद लड़की को सड़क पर फेंका। कश्मीर के पंच सेक्टर में भी गणेश उत्सव की धूम, एलओसी पर 12 साल से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। एमपी के रीवा में मौत का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ है कैद, भतीजी को परीक्षा दिलाकर वापस लौट रहे चाचा को ट्रैक्टर ने कुचला, चालक गिरफ्तार। दिल्ली में 1000 बसों की खरीद के मामले में अनियमितता, सीबीआई ने अनियमितता के आरोपों पर मामला किया है दर्ज। सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर हुआ है हमला, नीतीश के काफिले पर लाठी डंडों से हमला, नाराज ग्रामीणों ने काफिले की गाड़ियां तोड़ी है। काफिले में हमले के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे सीएम नीतीश कुमार, हमलावरों में भारी तादाद में महिलाएं भी मौजूद थी। हिमाचल में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। अमित शाह के हैदराबाद दौरे से पहले लगाए गए विवादित पोस्टर, लिखा तड़ी पार कौन है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली के दर पर पहुंचे अमित शाह, विधि विधान के साथ की है पूजा अर्चना। लद्दाख में आईटीबीपी जवानों का पेट्रोल अमृत, दरिया में तेज बहाव के बीच में तिरंगे के साथ कर रहे गश्ती। पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची चंडीगढ़ और मोहाली को दहलाने की साजिश। महाकाल की थाली वाले ऋतिक रोशन के विज्ञापन पर विवाद, उज्जैन महाकाल के पुजारियों ने की है माफी की मांग। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब दर्ज होगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सीबीआई ने ईडी को सौंपे दस्तावेज। लुकआउट सर्कुलर पर जी मीडिया से बोले हैं मनीष सिसोदिया के जीवाल को रोकना चाहती है बीजेपी, 2024 में जनता वोट के जरिए देगी जवाब। मनीष सिसोदिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को कहा है झूठा, कहा मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। लुकआउट सर्कुलर पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार, कहा कि अच्छे काम को रोकने की साजिश। मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 2024 में देश की जनता देगी 80 असली लुकआउट नोटिस। गिरफ्तारी के तलवार के बीच में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें, छापेमारी के बाद अब सीबीआई ने जारी किया है लुकआउट सर्कुलर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर लगी है रोक, सिसोदिया के अलावा 13 और लोगों के खिलाफ सीबीआई ने जारी किया है लुकआउट सर्कुलर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा रोज उठकर सीबीआई और ईडी का खेल शुरू कर देते हैं, ऐसे में देश कैसे तरक्की करेगा। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, पौड़ी गढ़वाल में एसडीआरएफ टीम ने रिजॉर्ट में फंसे परिवार को बचाया। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, मध्य प्रदेश के में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, 3 संभागों समेत 29 जिलों में चेतावनी जारी।
एमपी के डिंडौरी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही नर्मदा नदी, नर्मदा पर बने हुए घाट और मंदिर जलमग्न हुए। गुजरात चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव, राजेंद्र त्रिवेदी से राजस्व, पूर्णेश मोदी से सड़क और भवन विभाग वापस लिए गए। सिद्धरमैया पर अंडा फेंकने के मामले में कांग्रेस के दावों की निकली हवा, आरोपी ने खुद ही कांग्रेसी कार्यकर्ता होने का दावा किया। आरोपी ने सिद्धरमैया पर अंडा फेंकने की वजह बताई, पूर्व मुख्यमंत्री का बीफ और टीपू सुल्तान के समर्थन में दिया बयान। बिहार में बेलगाम अपराधियों के हौसले बुलंद, मोतिहारी में 24 घंटे में दो की हत्या, जमीन कारोबारी के मर्डर के बाद अरे राजकोट के गेट के पास जज के आदेश का पालन, आदेश पाल को गोलियों से भूना गया। राजेश श्रीवास्तव के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना, लोगों ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के बड़े ठिकाने का भंडाफोड़, हमलों के बाद छिपने के लिए करते थे इस्तेमाल। अब चैट लिस्ट में स्टेटस दिखाएगा व्हाट्सएप, डिलीट किया गया मैसेज भी रिकवर कर सकेंगे, बीटा यूजर्स के लिए जारी किया है नया फीचर्स। एफडी पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न्स, आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों को बढ़ा दिया। पेटीएम के शेयर की गिरावट पर एजीएम में उठे सवाल, सीईओ बोले भाव पर दखल नहीं। एयर इंडिया ने शुरू की है 24 नई घरेलू उड़ाने, मेट्रो शहरों के लिए इसके बीच सुधरेगी कनेक्टिविटी। अवैध फंडिंग मामले में इमरान खान पर लटकी है गिरफ्तारी तलवार, जांच एजेंसी को मिले हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ अहम सबूत। इटली के वेनिस शहर में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, कई पर्यटकों का वो रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ताइवान की सीमा के पास ट्रैक किए गए चीन के 21 लड़ाकू विमान, 5 नौसैनिक जहाज। यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस से पहले की तैयारी, कीव में तबाह हुए रूसी टैंकों की प्रदर्शनी, परेड में रूस के जले हुए हथियारों की जाएगी प्रदर्शनी। जेलेंस्की ने रूस पर साधा निशाना, कहा कि कई इलाकों में रूस का कब्जा अस्थायी था। तुर्की में दो अलग अलग भीषण सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत, करीब 40 लोग हुए घायल। स्पेन के जंगलों में लगी आग को बुझाने की जंग अभी जारी, हेलीकॉप्टर के जरिए आग को बुझाने की कोशिशें जारी। पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या, पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर की बेटी दारिया की गई हत्या, कार में बम धमाके में हुई हत्या। धमाके वाली गाड़ी में अलेक्जेंडर को जाना था, हमलावरों के निशाने पर थे अलेक्जेंडर। तालिबान के 13 अधिकारियों पर फिर से ट्रैवल बैन, यात्रा के लिए दी गई है छूट की अवधि बढ़ाने के लिए यूएनएससी ने नहीं बनी है सहमति। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक लॉन्च, नया इंजन पुराने की तुलना में 55 किलो हल्का, एडवांस फीचर्स के साथ 14% मिलेगा ज्यादा माइलेज। टीम इंडिया ने लगातार चौथी वनडे सीरीज जीती है, दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराकर संजू सैमसन और शार्दुल रहे हैं जीत के हीरो। एशिया कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी टूर्नामेंट से बाहर। भारत की फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी ने किया है संन्यास लेने का ऐलान, लॉर्ड्स में खेलेंगे आखिरी वनडे। वर्ल्ड कप से ठीक 100 दिन पहले फीफा ने बदला है शेड्यूल, अब कतर में 20 नवंबर से शुरू होगा फुटबॉल महाकुंभ, जो कि 21 नवंबर से पहले शुरू होना था। एशिया कप के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान, युवा तेज गेंदबाज मधुशंका को मौका मिला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर शेन वॉटसन की भविष्यवाणी, कहा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा फाइनल मुकाबला। श्रुति हसन ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया है शेयर, श्रुति की सिंगिंग के दीवाने हुए फैंस। मौनी रॉय का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में मौनी खूबसूरत अंदाज बिखेरती हुई नजर आई। शुभांगी अत्रे का मजेदार वीडियो आया सामने, वीडियो में शुभांगी जमकर मस्ती करती हुई नजर आ रही। अर्जुन बिजलानी का नया वीडियो आया है सामने, वीडियो में अर्जुन गणपति की भक्ति में डूबे हुए नजर आए।